आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा तूल पकड़ती जा रही हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है वही पता करने के लिए आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल जी के पास। सर, पहले तो स्वागत है आपका, और ये जो खबरें चल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है? टिप टॉप हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। मुझे भी टेलीविजन के माध्यम से पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। अभी सिर्फ टीवी के माध्यम से ही खबर है, अभी मुझे कोई हाईकमान से ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की सर बात करें, बहुत सारी फ्री की घोषणाएं की जाती हैं जिनको पूरा करने में करोड़ों रुपए का खर्चा भी होता है। हर सरकार की अपनी सीमाएं भी होती हैं, पैसा कहां से लाओगे? लोगों पर मतलब टैक्स ही लगाया जाएगा, वहीं से ही पैसा आएगा, या और कोई भी आपके पास स्ट्रैटेजी है? देखिए, आप जिनको आप फ्री कहते हैं वो निशुल्क है। फ्री और निशुल्क में थोड़ा सा फर्क है। जो आप लोग टैक्स देते हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिस पर सरकार जीएसटी नहीं लेती है। आप दिया सलाई पे लेके घी, तेल, नमक, खाने की शायद कोई ऐसी वस्तु हो जिस पर टैक्स ना हो। कोई भी ऐसी चीज हो, आप मुझे कोई एक आध चीज का नाम बता दो जिस पर टैक्स ना लगता हो। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी जब आएगी, अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी आ जाती है, तो क्या टैक्स फ्री करने वाले हैं, कम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? ये पैसा आएगा कहाँ से? जो फ्री की चीजें कही जा रही है कि ये चीज फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, तो ये करोड़ों रुपया आएगा कहाँ से? बेटा, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा था, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं ये कह रहा था, ये जो लोग आप टैक्स देते हैं, इसी टैक्स के पैसे को बचाकर हम सुविधाएं देते हैं। हमारे पास कोई ऐसा विदेश से फंडिंग नहीं आती। जो जनता टैक्स के रूप में हमें पैसा देती है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं और उसी पैसे को जनता को सुविधा के रूप में लुटाते हैं। लेकिन जब हर चीज पे जीएसटी लगाया गया बीजेपी सरकार में, तो आप लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसपे आज की डेट में हमें टैक्स ना भरना पड़ता हो। एक माचिस की तिल्ली से लेकर और सड़क पे चलने तक हर चीज में हम टैक्स पे कर रहे हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन करना और एक तरफ उसी टैक्स का यूज करके फ्री की रेवड़ियां बांटना कितना सही है? आपको शायद याद नहीं है, जब जीएसटी की बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी होती थी जो जीएसटी के नाम पर धरना प्रदर्शन करती थी। सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती थी। हम तो इसके जीएसटी के पक्षधर थे, पर हम ये चाहते थे कि जीएसटी की दरें कम हो। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीएसटी की दरें निर्धारित करी हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जीएसटी की दरें हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं। टोल टैक्स की सर अगर बात करें, एक रूल है एनएचएआई का कि 60 किलोमीटर में एक से ज्यादा टोल नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ अपने आसपास के एरिया में तीन तीन हैं। जो यहाँ से सांसद रहे हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने भी इस चीज को लेकर आवाज तो उठाई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपकी पार्टी की अगर बात करें तो पंजाब में काफी सारे टोल हटाए भी गए, तो क्या ऐसा यहाँ हरियाणा में भी होगा? आपने खुद ही जवाब दे दिया, निश्चित रूप से सर। इसकी गारंटी क्या, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो ट्राई कर चुके हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक? तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है ना अभी यहाँ पे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने 22 टोल टैक्स बंद कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से जब हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो टोल टैक्स जो अननेसेसरी हैं वो बंद हो जाएंगे। धारा 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, बीजेपी ने इन्हें खत्म कर दिया, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, धारा 370 के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रही तीन तलाक की बात, तीन तलाक एक समाज में कुप्रथा थी। मैं तीन तलाक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मैं ये जो संशोधन किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। कोई भी व्यक्ति तलाक 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 कह के जीवन भर का संबंध खत्म कर दे, मैं इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानता। सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में या फिर आप जहाँ काम करते हैं, जो आपके खुद की जगह है, वहां पर अगर जबरदस्ती घुसाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल गलत है, उसको अपने घर से बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार अगर देश में कुछ घुसपैठिए घुस जाएं तो उनका क्या किया जाए फिर? बिल्कुल उनको देश से बाहर निकालना चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो सर कह रहे हैं कि देश से बाहर निकालना चाहिए। गठबंधन की जहां बात आई, तो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं, वो कहीं ना कहीं आज हिलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी टिकट ना कट जाए अगर ये गठबंधन होता है तो क्या अगर पार्टी ये गठबंधन करती है, इससे आप खुश है, नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लेवल की बात नहीं है, ये हाईकमान की बात है।
हाई कमान जो भी पार्टी के हित में होगा वो उसी का निर्णय लेगा, और हाई कमान के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। हम हाई कमान के निर्णय का बिल्कुल कोई विरोध नहीं करते। अगर आपकी पार्टी आती है हरियाणा में, आती है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा? देखिए, इसमें केंद्र का एक बहुत बड़ा रोल है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछे? सर, हमने तो सवाल उनसे भी किए, आपसे भी इसीलिए कर ही रहे, हमारा तो काम है सवाल पूछना। हरियाणा में सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम इसका हल निकालेंगे। हल निकालेंगे यानी हरियाणा को मिल सकता है SYL का पानी? निश्चित रूप से हम इसका हल निकालेंगे। कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जमानत नहीं दी केजरीवाल जी को, तो कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और दोषी कहीं ना कहीं वो है। 17 महीने बाद सिसोदिया जी को जमानत मिली तो आप क्या मानते हैं, क्या वो दोषी हैं? संजय सिंह जी को जमानत मिली, आप मानते हैं कि वो दोषी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब धरातल पर आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ सकती तो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करती है। आप ये बताइए कि कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर CBI ED की कार्रवाई हुई? सारे भ्रष्टाचारी तो आज भारतीय जनता पार्टी में, अजीत पवार, नारायण राणे और शिवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल जी, सर केजरीवाल जी CM है, ऐसे में अगर आपको लगता है कि ये झूठा केस भी है, लेट जमानत मिलेगी, अगर अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे तो जनता के दिमाग में ये सवाल तो अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, तो क्या सरकार जेल से ही चलने वाली है? और फिर अपनी नहीं कर पा रहे तो हमें कैसे झूठे केसेस से बचाया जाएगा? देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की गद्दी पर एक तानाशाह बैठा है, वो तानाशाह ये चाहता है कि पूरे देश में उसका शासन हो, देश में बोलने की आजादी नहीं है। वहां पर जो LG हैं, जो आम आदमी पार्टी काम करते हैं, उनके हर काम में रोड़ा अटकाते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छे शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, महिलाओं को फ्री सुविधा दी जाती है, यातायात की 1 करोड़ रुपए समान राशि दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी ऐसे ही जनहित के कार्य करती रही तो शायद वो दिल्ली में कभी भी शासन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने झूठे हथकंडे अपनाकर इसलिए उनको जेल में डाला है। आप लोगों ने दिल्ली में, आप कहते हैं बहुत डेवलपमेंट कर दी, आज की डेट में भी पानी की निकासी के प्रबंध पूरे नहीं है। आपकी खुद की पार्टी के जो मंत्री हैं उनके घर तक डूब जाते हैं अगर थोड़ी देर बारिश आती है, तो अतीशी जी जो है उनके घर के बाहर की बिल्डिंग पूरी, उनका घर डूब जाता है जब थोड़ी बारिश आती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली तो पूरा डूब गया सर। गुजरात में तो पुल के पुल बह गए, दिल्ली में कोई पुल बहाओ तो बताओ? गुजरात और दिल्ली में तो पुल के पुल बह गए। ये सवाल तो हम फिर BJP वालों से करेंगे ना, लेकिन अभी सवाल है आम आदमी पार्टी का, आपकी सरकार वहां पर है, डेवलपमेंट आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा की, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ शिक्षा, हेल्थ और ये सब देने से? राज्य बता सकते हैं जहां पर इस बारिश में, इस जो तांडव हुआ इस बार जो मानसून का, उसमें कोई ऐसा राज्य है जहां पर ये दिक्कत ना आई हो? क्या दिल्ली एक ऐसा राज्य है देश में? राज्य सर बहुत हैं, लेकिन सरकार आपकी, इसलिए सवाल आपसे किया जा रहा है। मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी इस देश के नागरिक हैं, क्या ये समस्या दिल्ली में ही है या किसी और राज्य में? बहुत बहुत राज्य में है, और ये हमारा सवाल हर उस नेता से रहता है जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है। दिल्ली में तो इस समस्या पर हमने काबू पा लिया है, और आप गुजरात में देखिए ना क्या हो रहा है, बिहार में देखिए ना आप क्या हो रहा है, असम में देखिए ना आप क्या हो रहा है, उत्तराखंड में देखिए ना आप क्या हो रहा है। आप कम से कम उस विषय में भी बात करिए ना, आप खाली दिल्ली की क्यों बात? उस विषय में तो उन्हीं लोगों से बात की जाएगी ना, उन्हीं से सवाल किए जाएंगे। आपकी पार्टी जाए वहां के बारे में तो आपसे ही सवाल किए जाएंगे ना। बताना, आपको फर्ज बनता है ना कि ये जो जल भराव की समस्या केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में है ये समस्या, केवल ये दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में। गठबंधन के बाद टिकट मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या आप आम आदमी पार्टी का साथ ही देंगे या फिर आजाद चुनाव लड़ सकते हैं? मैं आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अभी हमारा गठबंधन हुआ नहीं है। देखिए, अभी गठबंधन होता है तो हम गठबंधन के साथ रहेंगे निश्चित रूप से।
तो मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अगर गठबंधन होता है, सर कह रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है, हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि गठबंधन हो चुका है, लेकिन इनका कहना है कि अभी गठबंधन हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो आजाद चुनाव ये नहीं लड़ेंगे, पार्टी का साथ देंगे, जिस हिसाब से पार्टी चलेगी उसी हिसाब से आप चलने वाले। हम गठबंधन के साथ रहेंगे। सर 48 करोड़ का शीश महल बनवा दिया, टैक्स जो है पैसा जो है बहुत सारा खराब कर दिया गया, जबकि ये कहा गया था कि 2 कमरों का फ्लैट ही चाहिए हमें। तो आप कौन से शीश महल की बात कर रहे हैं? वो जो पार्लियामेंट बना है, जो हजारों करोड़ रुपए का जो वहां पर निवेश हुआ है, जो हजारों करोड़ रुपए पार्लियामेंट बनाने में लगे हैं, पहली बारिश में ही वो चूरा था, और वो जो राम मंदिर पे जो हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं, आप तो सिर्फ 48 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, वो चूरा है। जो राम मंदिर आपने कहा, जो राम मंदिर पे इतने पैसे लगाए गए हैं वो चूरा है, उस पे वो कैसे चूरा है सर, एक बार थोड़ा मुझे भी एक्सप्लेन कर दे, शायद मुझे नॉलेज कम है। आपको शायद पता नहीं है जहां भगवान राम की प्रतिमा है वहां पर कितना वहां पर वो टप 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 कर रहा था। मेरे ख्याल मीडिया के लोगों को पता होगा उस विषय में भी। और वो जो भक्ति मार्ग है वहां पर कारें पूरे कितने कितने बड़े गड्ढे थे, हजारों लोगों को वहां पर बेघर कर दिया। शायद आपकी जानकारी में नहीं है तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। करनाल की अगर बात करें, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अभी ये चीजें करेक्ट होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, और अगर आप लोग की सरकार आती है तो आप लोग करेंगे वो? करनाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बेहद त्रस्त है। करनाल को क्या मिला? करनाल की जनता ने मनोहर लाल जी को विधायक बनाया, सौभाग्यवश वो मुख्यमंत्री भी मिल गए। करनाल की जनता को ना तो विधायक का सुख मिला, ना मुख्यमंत्री का सुख मिला। आप मुझे बताओ कि 10 साल में मुख्यमंत्री जी ने कितने उद्योग धंधे लगवाए, कितना यहाँ पर निवेश आया, कितने लोगों को रोजगार मिला। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर है, महिला उत्पीड़न यहाँ पर चरम सीमा पर है, महिला सुरक्षा की तो आप बात ही ना कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लचर व्यवस्था है, हर वर्ग यहाँ पर असंतुष्ट है, हर वर्ग धरने प्रदर्शन लेकर सेक्रेटरिएट के सामने बैठे। धरने प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, वो तो सर पार्टी आपकी भी आ जाए तो ओपोनेंट्स तो वो तो करेंगे, वो तो उनका काम है, नहीं तो दिखेंगे कैसे? मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर वर्ग असंतुष्ट है, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, अन्नदाता है, व्यापारी है, आशा वर्कर्स है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, विद्यार्थी है। आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो इस समय सड़कों पर नहीं है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति से हर वर्ग असंतुष्ट है। और कोई आप एक ऐसा विभाग बताएं जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैमरे पर आए या खुद मुख्यमंत्री आए और वो ये क्लेम करें कि हमारा ये विभाग है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, उसकी पोल खोलने का काम आम आदमी पार्टी करेगी? तो आप देख सकते हैं, लेकिन सर वो तो बीजेपी तो कहती है कि चोर चोर मिलने वाले हैं अगर ये गठबंधन हो जाता है तो। आप कैसे कह सकते हैं चोर चोर मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल केसेस चल रहे हैं। वोट चोरी करते हुए चंडीगढ़ में कौन पकड़ा गया? 8 करोड़ रुपए जो बीफ कंपनियों से जो चंदा लिया वो किसने लिया? ये लोग राम का नाम तो लेते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते, इनके मुंह में राम बगल में चूरी। बताओ आप मुझे, वो जो 8 करोड़ रुपए ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है और जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उनसे 8 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया, तो बताओ ये किस तरीके की राजनीति है? अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते, वो देश के लोगों की क्या रक्षा करेंगे? धिकार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने 8 करोड़ रुपए बीफ कंपनियों से चंदा ले लिया और जो चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़े गए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये संविधान की हत्या नहीं है? बीजेपी के जितने भी नेता यहाँ पर देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, चाहे वो नायब सिंह सैनी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि कोई तो कहता है कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है कि वो खुद कहते हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, ऐसे में कंफ्यूजन बहुत बनी हुई है शायद आपसी उनकी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रश्न आपको नायब सिंह सैनी जी से पूछना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी कदावर नेता नहीं है करनाल में? सारे दरी बिछाने लायक है, हर बार भारी ही चाहिए उनमें, ऐसी क्या खास बात है जो करनाल के लोगों में नहीं है? करनाल में बहुत सारे नेता हैं, मैं कैमरे पे उनके नाम नहीं गिनवाना चाहता। आप उनको छोटा क्यों कर रहे हो? क्या मनोहर लाल जी और सैनी जी को बहुत बड़े नेता हैं? क्या उन्हें बहुत कोई करिश्मा कर दिया? मनोहर लाल जी ने को हरियाणा में को बहुत बड़ा काम कर दिया, या सैनी जी ने हरियाणा में को बहुत बड़ा काम कर दिया? करनाल में बहुत सारे योग्य लोग हैं, उनको मौका क्यों नहीं देते? जाते जाते जनता के लिए क्या कुछ एक मैसेज, और साथ ही साथ बीजेपी वालों के लिए भी? देखिए मैं जनता के लिए यही कहना चाहूंगा, यदि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से आप कुशासन से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि बेहतर समाज की और बेहतर राज्य की आप रचना करना चाहते हैं, तो इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को सहयोग दें। आम आदमी पार्टी आपके लिए 5
मुख्य चीजें लेकर आइए, हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे, हम आपके बच्चों के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर महिला को 1,000 रूपये सम्मान राशि देंगे और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 1,000 सम्मान राशि से मुझे याद आया, ये तो वादे पंजाब में भी किए गए थे लेकिन सर्वेस कहते हैं कि मिले तो नहीं महिलाओं को 1,000 रूपये। हमारी सरकार को 2-2.5 साल हुए हैं, हमने वहां पर 20 टोल टैक्स बंद कर दिए, 300 यूनिट बिजली की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं, 50,000। दो महीनों में नशा खत्म करने की बात करते थे, 2 साल हो गए अभी तक नशा खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आप तो यहाँ पे बैठे, आपको पता है कि वहाँ पे नशे पे कितनी ज्यादा रोक लगी है, आपके पास कोई आंकड़ा है? बिल्कुल सर, सर्विस कहते हैं, मैं तो पढ़ के आई हूँ, सर्विस पढ़ के आई हूँ, जो मीडिया करती है, जो जनरल सर्विस होते हैं, जो कंपनीज करती है, उसके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो वादे किए गए थे कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरा जो नशा है उसे जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो 2 साल होने वाले हैं सर। हम लोग जड़ से उखाड़ने का ही काम कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है तो अभी आप इसी इंटरव्यू में साझा कर लो आप। बिल्कुल, मैं कमेंट सेक्शन में जो है वो रिपोर्ट जो है वो शेयर भी जरूर करूंगी, वो जनता देख सकती है। कम से कम जनता को ये बता देना कि हमने पिछले 2.5 साल में 50,000 नौकरियां दी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, स्कूलों का नवीनीकरण किया है, अस्पतालों का नवीनीकरण किया है, 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं और 22 टोल टैक्स बंद कर दिए हैं और 90% लोगों के घर का बिजली का बिल नहीं आता, ये भी जनता को बता देना। तो ये गठबंधन किस लिए, जब आम आदमी पार्टी खुद में इतनी सक्षम है तो गठबंधन किस लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करने के लिए गठबंधन है और अभी गठबंधन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, यदि इसकी औपचारिक घोषणा होती तो एक बार फिर आपसे बात करेंगे। चलो भाई, एक बार अगर औपचारिक घोषणा हो जाती है तो एक बार फिर बात करेंगे, ऐसा सर कह रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे मेरे साथ सुनील बिंदल जी को, जो कि गोल्डन मूमेंट्स के ओनर भी हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी हैं, जो दावेदार हैं करनाल से टिकट के, विधानसभा चुनावों की टिकट के आम आदमी पार्टी से दावेदार भी। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो गठबंधन की जो अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त बताएगा, और क्या इन्हें टिकट आम आदमी पार्टी से यहां से मिलती है या फिर नहीं। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अनिरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।